नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये होना ही नहीं चाहिए। ये मोहन राधा को घर लेकर आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर राधा घर आ गई ना तो वो सबको सच बता देगी। ये कैसे हो सकता है? माँ, मोहन को घर नहीं लाने दे सकते राधा को, ये नहीं हो सकता। कैसे रोकें? ये मोहन तो वैसे भी राधा के प्रेम में दीवाना हो गया है, देवी समझता है उसे। अगर राधा घर पे आ गई ना तो मोहन को सब सच सच बता देगी, और इस बार मोहन उसकी बात का विश्वास भी कर लेगा, उस पर कोई शक नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं कादंबरी, हमें फिर से पहले की तरह राधा और मोहन को अलग अलग करना होगा। हाँ, यही ठीक है। अब इस घर में मेरा जीना। मीरा, हमारी बात सुन। इसका मतलब राधा ने आपके बारे में जो कुछ भी कहा वो सब सच था। आवाज दीजिए। तुलसी, तुलसी को आप ही ने मारा ना? मोहन, मोहन और राधा आपकी वजह से अलग हुए ना, है ना? धीरे बोलो बेवकूफ लड़की। अरे भगवान मानता है वो आपको, और आप इतने सालों से इस व्हील चेयर पे बैठ के अपाहिज होने का नाटक करती रही, झूठ बोलती रही, सिर्फ झूठ। मोहन सुबह शाम आपकी सेवा करता रहा था कि आपको आपको अपने पैरों पर चलता हुआ देख सके। बस बस बहुत हो गया आपका, बहुत झूठ बोल लिया आपने। लेकिन अब टाइम आ गया है कि मोहन को इन सब के बारे में पता चले, और वो मैं उसे बताऊंगी। करवाई मैंने सेवा मोहन से, 7 सालों तक करवाई सेवा, पर इन 7 सालों में तुमने भी तो उसका साथ दिया ना, शिद्दत से दोस्ती निभाई, उसके पूरे परिवार को गोद ले लिया तुमने प्रैक्टिकली, उसके इतने बड़े कारोबार को और भी बढ़ाया, उसका हर कदम पर साथ दिया, और उसके बदले में तुम्हें क्या मिला मीरा? कुछ नहीं। जैसे ही राधा उसकी जिंदगी में वापस आई, मोहन चला गया सीधा राधा के पास। एक पल के लिए मीरा, एक पल के लिए भी क्या मोहन ने तुम्हारे बारे में सोचा? जैसे ही राधा उसकी जिंदगी में वापस आई, मीरा का पत्ता कट। पहले मुझे अपने बेटे से दूर किया, और आज तुम्हें तुम्हारे मोहन से दूर कर रही है वो। पहली बात ये है कि ना मेरी दोस्ती इतनी कमजोर है, और ना ही मेरा प्यार। और दूसरी बात, यहां बात मेरी नहीं आपकी चल रही है, और आपके झूठों का पर्दा फाड़ना हो के रहेगा, और वो मैं करूंगी।